जोहार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राकेश और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी मजे में होंगे और आज हम जा रहे हैं नवरत्नगढ़। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं और दिखाता हूं नवरत्नगढ़। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अब से इंटर कर चुके हैं और ये देखिए नवरत्नगढ़ का साइन बोर्ड लगा हुआ है यहाँ, और ये हम लोग जा रहे हैं बसिया वाले रूट पे। तो यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे है। हम लोग पहुंच चुके हैं शीशे के पेट्रोल टंकी पे और यहाँ मुझे एक बच्चा मिला है जो ये मेरा वीडियो देखा करता था टिकटॉक के समय से ही। तो बताओ आप इधर आए तो बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? नवरत्नगढ़ जा रहे हैं हम लोग भाई, तुमसे मिलते हैं आके, और तब तक के लिए बाय। बाय, ठीक है, हम लोग मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं नवरत्नगढ़, और यहाँ से इसका रास्ता है, जाने का रास्ता देखिए। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नवरत्नगढ़, और ये है उसका मेन गेट। तो स्वागत है दोस्तों, और हम लोग मौजूद हैं अभी नवरत्नगढ़ के किला में, और देखिए ये किला आप लोगों को बताइए कमेंट करके कैसा लगा। और कहा जाता है यह किला 16वीं से 17वीं सदी के बीच में बनाया गया था, और इसका निर्माण छोटा नागपुर के नागवंशी राजा दुर्जन शाह के द्वारा कराया गया था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आगे। नवरत्नगढ़ ये देखिए, यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये पीछे में एक है तालाब, और तालाब में देखिए घास भरा हुआ है, पर ये पीला पीला जो घास दिख रहा है काफ़ी शानदार लग रहा है दोस्तों, देखिए एक बार, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पे यहाँ पे झंडोत्तोलन हुआ है, और ये देखिए काफ़ी यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है और काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं। आप लोगों से मिलाना चाहता हूँ, मेरे कुछ दो भाई जो मिले हैं यहाँ के लोकल लड़के हैं, और ये लोग मुझे टिकटॉक के समय से जान रहे हैं। तो बताइएगा यहाँ के मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। और इनका नाम हो गया हार्दिक राज। हार्दिक राज, और ये है राजा। तो गाइज बहुत ही खुशी लगा कि यहाँ दो भाई हमसे मिले, और ये हमें पहले से जानते। तो गाइज मिलते हैं। तो स्वागत है दोस्तों, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये हैं यहाँ के लोकल बॉयज जनविजय बड़ाइक, और ये हैं बंधन उरा। तो यहाँ की सारी जानकारियाँ इन्हें मालूम है, तो चलिए इनके साथ चलते हैं और हमें आगे की कहानी यही बताएंगे। तो चलिए दोस्त चलते हैं। और ये है सरस्वती पूजा स्थल। कब से मनाए जाते हैं सरस्वती पूजा? 1976 से यहाँ हर वर्ष सरस्वती पूजा का आयोजन होता है। काफ़ी धूमधाम से यहाँ सरस्वती पूजा मनाया जाता है, और आगे दिखाते हैं आपको, चलिए। तो यह है दोस्तों किला का मुख्य द्वार, यहीं से राजा प्रवेश करते थे। ये है देखिए मुख्य द्वार। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। तो गाइस अब ये किला जो आप देख रहे हैं इसके बारे में अब हमें बताएंगे, और ये क्या है? नवरत्न किला। और यही है दोस्तों नवरत्न किला, देखिए। और ये मेन खंडर क्या है? मेन खंडर है, यही मेन खंडर है यहाँ का। और ये शायद 9 मंजिला था, और अभी
कुछ हिस्सा इसका जमीन में धस चुका है, तो चलिए इसके अंदर हम लोग चलते हैं। ये देखिए यहाँ का रूम, क्या है प्रत्येक तल्ला में 9 रूम है दोस्तों, और 9 तल्ला का है ये। ये देखिए यहाँ का नक्काशी देखिए, ये देखिए दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी, तकरीबन 400-500 साल पुराना, और ये आज भी नया दिख रहा है यहाँ। और क्या बोले आप, जैसे वहाँ जैसा लकड़ी है ना, हाँ उसी तरह का लकड़ी यहाँ भी, तो वहाँ जैसा लकड़ी लगा हुआ था दोस्तों, यहाँ भी वैसी तरह का लकड़ी लगा हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग लकड़ी निकाल के ले जा चुके हैं, तो इसके बाद वहीं से ऊपर जाने का रास्ता था जो टूट चुका है अभी। ये देखिए यहाँ का सीढ़ी और इस फ्लोर पे आएगा, उसके बाद ऊपर वाला सीढ़ी है, तो अभी इसके ऊपर एक तला और है दोस्तों। ये है एक नारियल तालाब, और इसका कुछ कहानी है जो आपको बताएंगे। ये बताइए, रानी तालाब है यहाँ से जो गया है सुरंग पानी, हाँ नारियल तालाब है ये, वहाँ से गया है रानी तालाब में पानी। ओ, तो दोस्तों इनका कहना है कि यहाँ से एक सुरंग बना हुआ है जो सीधा जाता है रानी तालाब में, और रानी तालाब आपको यहाँ से कुछ दूर पे मिलेगा, आगे मिलेगा, तो चलिए वहाँ आपको मैं ले चलता हूँ। तो ये रहा रानी तालाब, और ये काफी शानदार था होगा अपने जमाने में, और ये एक स्विमिंग पूल की तरह है, और वहां से नीचे से सीढ़ी है, तो देखिए कितना शानदार बना हुआ था। वहां से सीढ़ी है जो नीचे के लिए आता था, और यहीं से सुरंग बना हुआ है। देखिए ये सुरंग है, और ये सीधे गया है आपका नारियल तालाब। ये देखिए सीढ़ी यहाँ का जो सीधे रानी तालाब में जाता है, ये स्विमिंग पूल की तरह बना हुआ है दोस्तों। स्वागत है, और आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही घंटे को दबा दीजिए। और यह है दोस्तों नवरत्नगढ़ का मंदिर, तो चलिए आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ संस्कृत भाषा या कुछ भाषा में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो अगर आप जानते हों इस लिखावट का अर्थ तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए दादू से सुनते हैं कुछ कहानी। अच्छा, भूईकिला है यहाँ। क्या केला है? भूईकिला। भूईकिला कहाँ पे है? यहाँ और लालगंज में। हाँ, उसमें जाके देखिएगा, घुस के देखिएगा ना, फोटो ले लीजिएगा। और ये है कौन, ये रानी लुकवेर। रानी लुकवेर, यहाँ रानी लोग लुका छिपी खेलते थे। तो देखिए दादू जी बताए यहाँ की, यहाँ रानी लोग लुका छिपी खेलते थे, और यहाँ पे एक भूई किला है। तो चलिए अब गाइज हम लोग भूई किला के पास चलते हैं, और आप लोग को मिलाते हैं, दिखाते हैं भूई किला। तो दोस्तों वीडियो का पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है, दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा राजा रानी कुआं, लुका छिपी गिरी और रहस्यमयी भूई किला। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटे को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।